welcome to create momentum for positive mindset today my guest is Mirza Muhammad who is a gamer and want to share his knowledge in uh, gaming gaming via youtube so i welcome him kaise hain you, mirza mirza alhamdulillah alhamdulillah Shazad bhai aap kaise hain alhamdulillah khair khairiyat hai sab theek thaak hai aur uh, bas every day ke kuch na kuch अव्वल तो ये है कि ओमान का मौसम कैसा है मैंने बहुत वेदर uh... वेदर अभी चेंज हो रहा है क्योंकि विंटर आ रहा है लेकिन अभी तरह टोटली totally विंटर नहीं आया अभी तक हम लोग एसी ऑन कर रहे हैं uh. तो चेंज हो रहा है आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर जो है फुली ठंडा हो जाएगा मौसम तो आप सलाला गए हैं कि सलाला बहुत ब्यूटीफुल जगह है ओमान uh, में बिल्कुल बिल्कुल सलाला मैं फ्रीक्वेंटली uh, जाता था एवरी मंथ लास्ट ईयर जी Uh, अभी तो कोविड की वजह से फ्लाइट्स और ये सारी चीज़ें करके क्योंकि uh, मुझे uh, अपना जॉब से रिलेटेड काम रहता था सलाला तो मैं एवरी मंथ उसको ट्रैवल करता था फ्रीक्वेंटली तो काफ़ी अच्छी जगह है टूरिस्ट प्लेस है पूरे जीसीसी से लोग आते हैं वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जी चलो फिर आपकी जो जर्नी है आप मेरे भाई साकिब के साथ करते थे बिल्कुल अच्छी रही जर्नी काफी लॉन्ग जर्नी थी ओमान में मुझे तकरीबन 12 साल हो गए से मैं ओमान में ही हूँ और स्ट्रगल मैंने स्टार्ट की ओमान में उससे पहले मैं यूएई में था यूएई से छोड़ के मैं पाकिस्तान चला गया वहाँ पे फिर मैंने अपनी स्टडीज स्टार्ट की और कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं की मैं ओमान को मैंने अप्रोच किया ओमान आ गया और फिर यहाँ पे मैंने कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया जिसमें मैं इतना कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हो सका लेकिन 2011 से लेकर 13 तक फिर मैं पाकिस्तान दोबारा चला गया वहाँ रहा और मेरे जो डैड की प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह मैं उनको टेक केयर करता रहा उसके बाद मैंने जब मेरी शादी हुई मैंने गॉट मैरिड तो उसके बाद मैंने प्लान किया कि यार अब कुछ सीरियस uh, होना चाहिए और uh, अपना कोई जॉब वगैरह मैं सीख करूं और uh, अपना कोई काम स्टार्ट करूं जो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम हो जो सिर्फ मेरा हो और मैं अपने तरीके से अपने अपने लाइफ को मेनटेन करूँ उसके बाद फिर मैं आया मैंने अबूदाबी यू ए में गया मैंने अप्लाई किया तो मुझे कंपनी में जॉब मिल गई सिक्सपेंस uh, कंपनी uh, है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी उनको बंदा रिक्रूट करना था ओमान के लिए तो मेरे चांसेस इसलिए ज़्यादा बने क्योंकि मैं ऑलरेडी ओमान को देख चुका था ओमान में रह चुका था तो मुझे जॉब मिल गई तो 2015 में मैं ओमान आ गया और तब से लेकर अभी तक मैं ओमान में अलहमदिल्ला जॉब कर रहा हूँ तो रिटेल में मैं करता हूँ रिटेल में मैं जॉब करता हूँ रिटेल मार्केटिंग में तो अलहमदुल्लह सिस्टम सही चल रहा है मेरा लेकिन अब फर्दर मेरा प्लान देखो क्या बनता है अभी तो कोई नहीं कोविड की वैसे से हैं लेकिन मेरा जॉब का जो सिलसिला वो ठीक चल रहा है अच्छा आप ये कहते है। आप 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 ये कहते कहते हो हो सॉरी बोलिए कि रिटेल मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग जो है आपने कहां से सीखी? ये वहां से सीखी जब मैंने अपना बिजनेस किया था ओमान में और जब उसमें तो जब इंसान खुद से कुछ करता है इनिशिएट लेता है तो उसको वो ऊपर लेकर जाने के लिए पीक पे लेके जाने के लिए बहुत कुछ करता है स्ट्रगल करता है तो उस बिज़नेस में उसने मुझे जो है बहुत कुछ सिखाया मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने वो बिज़नेस करके कुछ लूज़ किया हो सकता है मैंने पैसों का नुकसान किया हो लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिला था उसमें तो वहां से मैंने सब चीजें सीखी थी कि मार्केटिंग करना जरूरी होता है हर चीज को अगर आपने किसी भी चीज को अगर, अगर, अगर इंट्रोड्यूस करना है या किसी भी चीज को अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो उससे पहले उसकी जो बेसिक नीड है उस चीज की वो मार्केटिंग है अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आपका डेफिनेटली अगर आपकी सर्विसेज हैं या कोई भी आप प्रोडक्ट है कुछ भी है वो बिकेगी तो वहां से मुझे मिला एक्सपीरियंस था तो तो आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाया कि नेटवर्क मार्केटिंग की जी तो देखो अगर आपको मार्केटिंग मतलब आप कर, कस्टमर कैच कर सकते हो अट्रैक्ट कर सकते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ देखना चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो जहां से आप यानी बहुत ज्यादा पैसे क्रिएट कर सकते हो तो आगे आप जाके देखें ट्राई करेंगे तो आपसे एक बात ये पूछनी थी कि आप का शौक जो गेमिंग की तरफ है वो कब से शुरू हुआ गेमिंग का तो बेसिकली मैं बोर्न आपको पता है यूएई का हूँ और वहां पे जो ये चीजें हैं ये स्टार्टिंग से ही हम लोगों की लाइफ में रही तो स्टार्टिंग से मेरा यानी कि ये बचपन से ही है यानी कि जब मैं छोटा था स्मॉल सो मेरे डैड जो थे वो सबसे पहले गेम आता था इटारी वो लेकर आए थे घर में फिर इटारी के बाद क्या हुआ कि दो चार साल के बाद टाइम चेंज हुआ फिर मारियो का वो आ गया मारियो कॉन्ट्रा इस तरह की गेम्स आ गई तो हम वो खेलने लगे उसके बाद आया सेगा मेगा ड्राइव तो सेगा मेगा ड्राइव फिर प्ले स्टेशन फिर निटेंडो टू सिक्सटी फोर फिर फिर से ये सब चलता रहा फिर प्ले स्टेशन टू थ्री फोर अब तो उसी तरह फिर गेम तो मेरी लाइफ में हमेशा चाहे मैं पाकिस्तान गया हूँ अबू धाबी रहा हूँ ओमान गया हूँ इसको मैंने अपनी यानी कि रूटीन में रखा है हमेशा डेली भी खेलता हूँ और वीकेंड्स पे तो मैं इसके ऊपर काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ गेम्स के ऊपर वीडियो गेम्स में तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं गेम जो लोग गेम खेल रहे हैं गेम्स की कम्युनिटी हो तो उनके साथ में इंटरेक्ट करूँ और हम लोग मिलकर खेलें पहले क्या होता था गेम्स ऑनलाइन नहीं होती थी अब गेम्स ऑनलाइन है जैसे मैं और आप अगर आप हो गए हम दोनों के पास कंसोल है तो हम लोग ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं आप एक साथ बात भी कर सकते हैं तो उस तरह फिर अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है और मजा आता है काफ़ी तो उस तरह फिर अब गेम की कम्युनिटी आपको पता है इससे ऐसे ग्रो कर रही है तो हम लोगों को भी फिर मज़ा आता है तो इस तरह से करके मैंने प्लान किया कि मैं एक चैनल बनाता हूँ कि मैं गेम्स खेलता हूँ उसमें मैं काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बज दफ़ा आप अपनी वीडियोस में कोई जो टेक्निक्स यूज़ करते हो वो शेयर करते हो तो उसके कमेंट्स में कोई अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो आपको उससे भी बेटर आइडियाज़ और टेक्निक्स देते हैं तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं तो मैं चाह रहा था कि गेम्स की वीडियोज़ शेयर करूँ एक्सपीरियंस शेयर करूँ और लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि गेमिंग इम्प्रूव हो और मैं गेम की एक कम्यूनिटी क्रिएट करूँ मैंने अपने इसका चैनल का नाम गेम लूप करके रखा है इसलिए रखा है गेम लूप के उसमें बार बार गेम्स की वीडियो आती रहेंगी और अभी लास्ट वीक में मैंने स्टार्ट किया और कम से कम भी मैंने पांच वीडियोज़ जो है वो शेयर कर दिए हैं तो उस पर ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं गेमर्स आते हैं कमेंट्स करते हैं मेरी गेम को देखते हैं और मैं वीडियो क्लिप्स कोई बड़े बड़े नहीं डाल रहा हूँ ताकि व्यूवर्स देखने वाले बोर नहीं हो मिनिमम लाइक वन मिनट वन एंड हाफ मिनट इस तरह डाल रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं जब देखूंगा मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं और लोग मेरी गेम प्ले को पसंद कर रहे हैं तो मैं आिस्ता आसता जो है अपनी वीडियो की टाइम को इनक्रीज़ करूंगा और इन फ्यूचर जो गेम्स खेलूंगा अपने रूटीन के अंदर उसके वॉक थ्रूज उसकी टेक्निक्स उसके अंदर स्किल्स बिल्ड्स जो भी रिलेटेड गेम से होता है वो सारा नॉलेज शेयर करूंगा और जो लोगों के पास नॉलेज होता है वो उनसे गेन करूंगा मेरा ये इस तरह का एम है कि मैं गेम की कम्युनिटी में कुछ करूं और इसको बिल्ड करूं डेवलप करूं और खेलूं खेल का खेल रहेगा और नॉलेज का नॉलेज रहेगा ये तो आपका पैशन है फिर ये आपका पैशन और ऑब्सेशन ही है तो यस पैशन बिल्कुल, को अपना बरकरार रखिए इनशाला वो दिन दूर नहीं आप बहुत ज्यादा कामयाब होंगे इनशाला इनशाला और मैं मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि मेरा आपके साथ कनेक्शन हुआ क्रिएट मोमेंटम के साथ और मुझे चांस मिला कि मैं आके यानी कि अपनी बात कर सकूँ जैसे कि इट्स एन काइंड ऑफ एन इंटरव्यू तो मैं यानी कि खुद हो सकता है अपने चैनल पे मैं गेम्स की वीडियोस डालता है इस तरह की वीडियो नहीं डालता लेकिन क्रिएट मोमेंटम की वजह से मुझको एक यानी कि एक चांस मिला है कि मैंने पूरा जो भी मेरा अपना प्लान है मेरी जो स्ट्रेटजी है गेम की कम्युनिटी को लेकर वो मैंने शेयर की और आई होप के जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उसमें अगर कोई गेम का इंटरेस्ट रखने वाले लोग होंगे या इन फ्यूचर जो वो वीडियो देखेंगे तो वो यानी कि मेरे चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं क्रिएट मोमेंटम के थ्रू तो वाकई में जो आपने नाम रखा क्रिएट मोमेंटम तो वो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा गेम के साथ भी तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू शहजाद भाई नो यू आर वेलकम थैंक यू कि आप अपना टाइम मुझे दे रहे हो तो और इसके बाद ये है कि आपकी तो हॉबी हो गई गेम खेलना गेम खेलना और काम करने और मार्केटिंग के अलावा जो है और आपके कोई मसरूफियात है और मेरी ये है कि फिर मेरा जो बाकी टाइम होता है मैं वो फैमिली को देता हूँ

खुद ही अकेले ही गेम खेलता रहा हूँ लेकिन मैंने कभी इस तरह आ के लोगों के साथ अपना गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया और इस तरह कुछ नहीं किया तो ये मेरा मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपना गेम प्ले लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा उससे मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि मैं कोई आई एम नॉट अ परफेक्ट गेमर मैं कोई बहुत बड़ा चैम्पियन या इस तरह नहीं हूँ बस जस्ट मैं खेलता हूँ और मैं ये शेयर कर रहा हूँ

अब जो वो ब्लॉग करता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में करता है लेकिन उसने भी गेमिंग से ही शुरू किया था तो आप स्टार्ट लेते हो और दूसरी बात यह है कि देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चौदह दिन में भी बहुत ज्यादा अगर कल आप लकी हुए तो आपको जो है बहुत मशहूर कर देगा लेकिन स्ट्रगल तो है स्ट्रगल होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है और तो आपको ये है कि फैशन जर्नी चाहे दो साल लगे तीन साल लगे नो प्रॉब्लम क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो ऑन्टरप्रनोर है जो यानी जिनकी वर्थ टू हंड्रेड मिलियन का हो हम लोगों के पास उतना कुछ नहीं है लेकिन वो उनको भी साढ़े तीन साल चार साल लगे हैं अभी मैंने जिनके साथ इंटरव्यू किया था वो इंटरव्यू पॉट क्या है सॉरी वो है उनका नाम है डेविड मेलजा वो जो है स्पोर्ट्स वन मार्केट स्पोर्ट्स वन मार्केटिंग के को फाउंडर है उनको mm -hmm. चार साल लगे हैं अगर आप उनका यूट्यूब देखो चैनल अबाउट सब्सक्राइबर इतना ज्यादा है नहीं उनका In लेकिन course, लोग yes, उनको जानते हैं 15, हाँ। mm -hmm. लेकिन अभी आप पैट्रिक डेविड और गैरी वी को देखो गैरी वी जो मैं जो यानी उनको मैं मार्केटिंग कहो मार्केटिंग गुरु कहो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया बेस्ट और जो मैंने आपसे बात की थी ना हंड्रेड एंड एस स्ट्रेटेजी और आप जो है इंस्टाग्राम में जाए कोई भी हैश टैग लगा जैसे आपका गेमर है तो रिसेंट करके पहले नो पिक्चर पे आप कोई भी कॉमेंट कोई भी कॉमेंट आप उसके ऊपर रख सकते हो कि नाइस गेम या कुछ भी जो आपके मन में आए एक वर्ड हो या एक सेंटेंस हो तो ये, तो, on, uh, cents, तो ये नाइन पिक्चर हो गए तो टू सेंस ऑन टू सेंस यू लिविंग टू सेंस ऑन एवरी पिक्चर तो ये नाइन हो गए ये एटीन सेंस हो गए तो आपको टेन हैशटैग फाउंड करने और डेली का रूटीन आपको ये करना है तो इससे आपके व्यूअर बढ़ेंगे फिर आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि इंटरेक्ट हो लोगों के साथ तो फिर आगे प्रोग्रेस हो तो और इसके अलावा अगर आपने अपने गेमर फैमिली को या जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आ, मैं सबको यही मैसेज देना कि भाई अपना दिल लगा कर गेम खेलो जी और जो गेम के बारे में जो भी टेक्निक्स हैं जो भी है वो एक दूसरे को शेयर करो आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ तो ऑनलाइन में तो आप लोग गेम खेल सकते हैं इवन दो कि आप मेरे साथ भी ऑनलाइन आके मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स के ऊपर मेरी वीडियो के नीचे के खेल मेरे साथ आप कॉप गेमिंग करना चाहते हैं तो मैं आई एम रेडी फॉर देट और मेरा भाई है जो जो कि पाकिस्तान में स्टडिंग एज एन एविएशन मैनेजमेंट तो वो भी गेम खेलते हैं और वो पब्जी आजकल बहुत हिट है गेम तो वो उसका शौक़ रखता है वो वो गेम खेलता है और मेरा एक दोस्त है जर्मनी में अरफान वो मेरे साथ हमेशा से वो मेरे गेम के जर्नी में ऑनलाइन गेमिंग के जर्मनी जर्नी में हमेशा वो मेरे साथ रहा है तो मैं दो चार गेमों के नाम लूंगा जो फेमस है और जिस टाइप की गेम्स मैं खेलता हूँ उसमें एक हो गया डार्क सोल्स उसमें मेरा दोस्त इरफान हम लोगों ने कोप गेमिंग की उसको गेम को बीट किया ऑनलाइन गेमिंग की उसके बाद हम लोगों ने एक गेम ब्लड बॉन्ड वो स्टार्ट की उसको ख़त्म किया हम लोगों ने कोप गेमिंग करके उस जर्नी में इरफान मेरे साथ ही था उसके बाद नियो खेली नियो अभी भी कंटिन्यूस अभी रिसेंटली मैंने नियो को बीट किया है चार पाँच दिन हो गए क्योंकि नियो टू आ चुका है जो पी एस फोर में भी और पी एस फाइव में भी अवेलेबल है तो मैंने कहा कि पी एस फाइव में अगर मैं स्टार्ट करूंगा नियो टू तो उससे पहले मुझे नियो वन खत्म करना है हंड्रेड परसेंट तो मैंने उसको जल्दी जल्दी करके खत्म किया अभी दो ही दिन पहले मैंने उसको बीट किया उस गेम को तो अब आई एम रेडी फॉर नियो टू तो उसमें मैं कॉप गेमिंग भी करूंगा और सोलो भी करूंगा और अगर कोई कॉप में मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे चैनल पे जाके कमेंट में मुझे बता दे तो मैं उसके साथ कॉप गेमिंग करूंगा बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा आप तो और इसके अलावा भी अगर कोई पबजी और कोई दूसरी गेम्स ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल बिलोंग्स टू तो ओनली दो गेम्स विच आई एम प्लेइंग कोई भी गेम के बारे में आप कर सकते हैं किसी भी गेम के बारे में एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकते हैं इट्स 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 अ अ अ फ्री हैंड बिल्कुल uh, मिर्जा भाई थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का और इनशाला वंस आपका जब चैनल ए, स्टेबलिश हो जाएगा तो इन फिर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जरूर, तो जरूर, जरूर. तो इनशाला मिलते हैं फिर ब्रेक इन्शाला. के बाद खुदा हाफिज इनशा खुदा हाफिज